हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक न्यू व्लॉग। और बताइए आप सब कैसे हैं। तो आज मैं घर का रूटीन शेयर करी, मतलब डेली घर का रूटीन शेयर करती हूँ। तो मैं आज क्या क्या बनाई हूँ, मतलब क्या क्या बनाई हूँ क्या नहीं बनाई, वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और फिर मॉर्निंग में इतना मतलब काम हो जाता है, बच्चों को स्कूल जाना है, फिर हस्बैंड को जाना है, और फिर घर का काम, मतलब बच्चों को टिफ़िन तैयार करना, हस्बैंड के लिए खाना बनाना, खुद के लिए। तो मॉर्निंग में इतनी सारी काम हो जाती है जिसका मतलब कोई पता ही नहीं चलता, समझ नहीं आता कहाँ शुरू करें कहाँ ख़त्म करें। तो मेरी मॉर्निंग ऐसे स्टार्ट हुई, मैंने सुबह सुबह उठ गई थी और झाड़ू वगैरह हमने लगा लिया था। तो ये देखिए हम कपड़ा फैला रहे हैं, मैंने कपड़ा मतलब एक दिन पहले ही धो लिया था, जो थोड़ी बहुत मतलब पानी निकल चुकी थी और कपड़ा मतलब नहीं सूखा था अच्छे से, तो उसी को मैं सुबह सुबह पहले उठ करके उसको मैं फैला रही हूँ। मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था, पूरा काम कर लिया था, तो मैंने सोचा पहले मैं कपड़ा फैलाती हूँ तो वो ख़राब हो जाएगी, मतलब गंद वगैरह करने लगती है। तो इस कारण से मैं कपड़ा को धूप में डाल रही हूँ। कपड़ा को धूप में डालने के बाद फिर मतलब ढेर सारी डेली जितना भी कपड़ा धो लूँ, मतलब डेली धोती हूँ, फिर भी मतलब हाथ से धोना पड़ता है, फिर भी कोशिश करती हूँ सारे धोने की, धो लेती हूँ फिर उतना ही कपड़ा आ जाता है। तो फिर फाइनली मैं सारे कपड़े को रस्सी पे डाल करके फिर उसके बाद मैं अच्छे से फैला दूँगी। फैलाने के बाद फिर मैं चले जाऊँगी वो। तो आज मैं मतलब अभी बज रहे थे 5:20, ऐसे ही 5:30 हो रहे थे, तो मैंने सोचा बच्चे मेरी 8 बजे स्कूल जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा भी बहुत टाइम है तो मैं थोड़ी थोड़ी करके सारे काम कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे पहले कपड़ा फैलाने लगी थी, तो फिर और फिर उसके बाद कपड़ा फैलाने के बाद फिर जो होता है उस मतलब पहले खुद का कर लूँगी, किचन का काम मैं क्लीन कर लेती, फिर उसके बाद मैं उसको उठाती हूँ। तो मैं यहाँ आ गई थी गैस वगैरह क्लीन करने, तो पहले गैस वगैरह पोंछ दूँगी। मैंने रात में जो खाना वगैरह मतलब ऐसे ही रखा हुआ था मैंने, तो बर्तन नहीं धोया था, उसमें खाना वगैरह है ही, तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर सुबह हम गर्म करने के लिए, तो फिर बर्तन को, इसलिए मैंने सोचा मतलब सुबह में ही गर्म करके निकाल लूँगी फिर धोऊँगी। तो फिर ये हम गैस वगैरह पोंछ लेंगे, फिर उसके बाद खाना को अच्छे से गर्म करके फिर हम निकाल लेंगे। तो हम खाना गर्म कर लिए थे और फिर हम आ गए थे बर्तन धोने के लिए। सारे बर्तन को हमने ले लिया था और मैं सारे बर्तन को अच्छे से धो लूँगी। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए मतलब सुबह सुबह मतलब बच्चे को, फिर हस्बैंड को, खुद का, तो मैंने स्नान वगैरह नहीं किया था, पहले मैं ये सब कर लूँगी, पोछा वगैरह लगा लूँगी, फिर उसके बाद मैं स्नान करती हूँ। तो फिर मैंने सोचा थोड़ी बहुत जो बर्तन थी मैं उसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी और रख दूँगी, फिर मैं जाऊँगी पोछा वगैरह लगा लूँगी। तो हमारा बर्तन धो के हो चुका है क्लीन, अब हम इसको साइड में रख देंगे। साइड में रखने के बाद फिर इसको हम बर्तन को अच्छे से जगह लगा देंगे। फिर मतलब इतना चींटी किचन में आ जाता है, समझ से बाहर है, मैं डेली पोछा मारती हूँ फिर भी किचन में इतना चींटी आ जाता है, कभी यहाँ कभी वहाँ काटते रहता है। तो ये हमने सारे बर्तन को अच्छे से फाइनली हमने धो लिया, फिर मैं इसको रख दूँगी। और प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़। और ये देखिए फाइनली हम बर्तन को हमने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से बर्तन को सेट लगा करके रख दूँगी। रखने के बाद फिर मैं पोछा वगैरह लगाऊंगी, थोड़ी बहुत मैं पहले उसको बर्तन धोने के बाद फिर मैं बोतल वगैरह साफ़ करके पहले उसको एक बार दूध दे दूँगी, फिर मैं पोछा वगैरह लगाऊंगी, तब तक वो दूध दे के उठ जाएगी, फिर उस वो खुद से स्नान कर लेती, मुझे स्नान नहीं कराना पड़ता है। तो वो स्नान कर ली तो उसको खिलाने में भी मतलब ये रहता है कि स्नान वो खुद से अपने से कर लेते, तो हमको टेंशन नहीं रहता है कि उसको स्नान कराना, तो खुद से अच्छे से स्नान कर लेते। बस जिस दिन उसको बाल धोना रहता है तो मैं खुद से उसको नहलाती हूँ। तो फाइनली ये मतलब बर्तन धोने के बाद जो थोड़ी बहुत छींटे आ जाते पानी को, तो मैं उसी को क्लीन कर रही थी। तो मैं उसको क्लीन करने के बाद ये हम पोछा वगैरह अच्छे से लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने झाड़ू वगैरह पहले सुबह में लगा लिया था,
अब मैं पोछा अच्छे से लगा दूंगी। पोछा लगाने के बाद फिर मैं जूता स्नान वगैरह मैं करने चली जाऊँ। थोड़ा बेड वगैरह भी अभी ठीक कर लूँगी। और ये देखिए फाइनली हम अच्छे से, तो फाइनली हम किचन में अच्छे से पोछा लगा देंगे। किचन में मतलब मेरे वीडियो में थोड़ी स्पीड होगी, प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो को कितना भी छोटा मतलब शॉर्ट बनाने की कोशिश करती हूँ लॉन्ग बन जाती है। इस कारण से मैं उसको मैं अच्छे से मतलब हमारे वीडियो को थोड़ी सी मतलब स्पीड रहती है ज़्यादा, तो आप लोग एडजस्ट प्लीज़ कर लीजिएगा। तो फाइनली मैंने किचन में पोछा लगा दिया था और मैं रूम में भी पोछा लगा ली हूँ, क्योंकि रूम में बच्चे और हस्बैंड दोनों सो रहे थे, तो मैंने मतलब सो रहे थे काम कर रहे थे, इस कारण से मैं वीडियो नहीं रूम में एडिट कर पाई, क्लिप नहीं कर पाई। तो मैं बाहर का थोड़ा बहुत ठीक कर दूँगी। मतलब आजकल है क्या मौसम, मतलब सवेरे बहुत तेज़ मतलब धूप आ जाती है, तो मैं इस सामान को इधर उधर मतलब रात में जो खेलती है ना इधर उधर सामान फैला देती है, तो उसी को मैं अब ठीक कर रही थी। तो फाइनली मैंने किचन में भी पोछा लगा लिया। अब मैं बरामदे में अच्छे से पोछा लगा लूँगी। पोछा लगाने के बाद फिर मैं रूम को मैं मतलब रूम में बेड वगैरह अच्छे से नहीं ठीक है वो मतलब ये दोनों उठ के जाएंगे, तो फिर मैं बेड वगैरह भी अच्छे से ठीक कर लूँगी। तो ये फाइनली हम पोछा लगा रहे हैं। तो फाइनली मेरा पोछा लग के हो चुका है रेडी, और दोनों मतलब सो रहे मतलब काम कर रहे हैं और एक सोई हुए है। तो दोनों को उठने के बाद हस्बैंड चले जाएंगे स्नान वगैरह करने, और फिर ये चले जाए मतलब ये थोड़ी देर मतलब खेलेगी बाबू के साथ, फिर उसके बाद ये स्नान करती है, नहीं तो नहीं करती है, पहले वो उसके साथ खेलेगी, इसका नींद मतलब खुलेगा, उसके बाद ये स्नान वगैरह करेगी। तो फाइनली मैंने पोछा वगैरह लगा लिया था और हस्बैंड मतलब चले गए स्नान वगैरह करने, तब तक मैं रूम ठीक कर दूँगी, वो स्नान करके आएँगे, तो इसका मैं कपड़ा रख दूँगी हस्बैंड का, और फिर तब मैं जाऊँगी स्नान करने, क्योंकि मतलब इसका कपड़ा रख दूँगी ताकि वो उसको जल्दी पहनने में ठीक हो। और ये फाइनली हमने बेड वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिया है। साफ़ करने के बाद हमने भी स्नान करके पहले मैं पूजा का बर्तन धो लूँगी। पूजा का बर्तन धोने के बाद मैं पूजा वगैरह अच्छे से कर लूँगी, क्योंकि बहुत लेट हो रहे थे तो मैं जल्दी जल्दी सब कुछ कर रही थी। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी करना था, बच्चे को स्कूल छोड़ मतलब बच्चे स्कूल जाते हैं, उसका लंच तैयार करना, खुद के लिए मतलब पूजा पाठ करना। अभी मैं सवेरे में इसलिए कर लेती हूँ ना, तो सुबह में ये सब जाते तो फिर मैं जल्दी से नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि थोड़ा मतलब शरीर में आलस आने लगता जब ये सब चले जाते हैं, तो इसलिए मैं सुबह सुबह ही स्नान कर लेती हूँ, ताकि वो लोग जाए भी तो हम लोग एक ही साथ नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, तो वो लोग भी चले जाते हैं, हम भी आराम कर लेते हैं थोड़ी देर। उसके बाद हमको थोड़ा वीडियो वगैरह एडिट करना होता है, पूजा का मतलब थोड़ी देर आराम करना, फिर वो स्कूल साथी तो उसको नाश्ता कराना मतलब खाना खिलाना, फिर उसको वो दूध वगैरह दूध पिए बगैर नहीं सोइए तो उसको दूध पिलाना, फिर उसको सुलाना, तो वो उसके आने के बाद भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो उसको मैं फिर किसी तरह उसको सुलाती हूँ, तो वो सोती है ज़बरदस्ती। तो ये देखिए फाइनली हमने पूजा के लिए आ गया था, तो यहाँ पर मैं मेरा जर्सी का जो सामान वगैरह आया था वो मेरा रखा हुआ, मैंने उसको मतलब साइड नहीं किया, मैं वो भी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैंने जो भी सामान शॉपिंग किया मतलब ऑनलाइन जो आया खाने पीने का वो रखा ही है, तो मैं वो सब भी जब मैं साफ़ करूँगी तो मैं आप लोग को वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी। तो ये फाइनली मैं कर रही हूँ पूजा। पूजा करने के बाद फिर मैंने प्रसाद लेना भूल गया, तो मैं प्रसाद लेने चली गई थी। मैंने प्रसाद में मिश्री डेली चढ़ाती हूँ, मतलब डेली कुछ फल मिठाई आ जाता तो वो भी चढ़ा देती हूँ, लेकिन घर में ये रहता ही है तो मैं इसी को भी चढ़ाऊँगी। तो मैंने प्रसादी चढ़ा दिया, मैं धूप बत्ती वगैरह ये सब मैं जला दूँगी। तो इसको जलाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर मतलब पूजा करने के बाद मैं थोड़ी देर ध्यान करती हूँ, 5 मिनट कम से कम ध्यान तो ज़रूर करती हूँ, 5 मिनट हो या 2 मिनट 1 मिनट मतलब पूजा करने के बाद जब तक ध्यान नहीं करो तो मन में शांत नहीं आता। तो फाइनली मेरा पूजा हो चुका है, और एक मैं धूप बत्ती यहाँ पर रखती हूँ और एक तुलसी माता के पास, तो मैं उस एक तुलसी माता के पास ले जाऊंगी, वहाँ पर रख दूंगी। तो फाइनली मेरा पूजा हो चुका है, अब मैं आ गई थी सब्जी वगैरह कट करने के लिए। तो मैं सब्जी में आज सब्जी में भिंडी का भुजिया बनाऊंगी। तो मैं पूजा कर रही थी, टीका लगाया था तो नीचे तक फैल गया था, ये देखिए। तो फाइनली मेरा भुजिया मतलब कट हो चुका है, मैं उसके लिए प्याज कट कर लूँगी, इसमें मिर्ची बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि उसको लंच बाबू के लंच में भी देना है।
और हस्बैंड भी खाएंगे, तो हस्बैंड बिना मिर्ची का ही खाना खाते, फिर भी मैं ज़बरदस्ती डाल देती हूँ। तो आज मैं बिल्कुल मिर्ची नहीं डालूँगी, मिर्ची आज स्किप कर दूँगी। तो ये देखिए फाइनली मेरा प्याज कट के हो चुका है रेडी। इसके बाद सारे जो कचरे वगैरह थे वो मैं उठा करके साइड में रख दूँगी। साइड में रखने के बाद फिर मैं भुजिया का जो है वो मैं तैयारी करूँगी। तो उसके लिए मैं कढ़ाई गैस पर चढ़ा दूँगी। तो इसमें थे थोड़ी बहुत रोटी जो होती है गाय के लिए, मतलब जो घर में बच जाती है रोटी वगैरह, और सब्जी जो काटते हैं वो सब बच जाते हैं, तो वही सब इस पैन में मैं जो दूध देने आते हैं अंकल भैया मैं उसी को दे दूँगी। तो ये देखिए फाइनली मेरा सब्जी कट के हो चुका है रेडी। और उसके बाद हमने कढ़ाई वगैरह मतलब चढ़ा दिया है। कढ़ाई चढ़ाने के बाद फिर हमने ऑयल डाल दिया, ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने दे दिया था। गर्म होने के बाद फिर मैं प्याज थोड़ी देर फ्राई होने दूँगी, फिर उसमें डालूँगी भिंडी। तो फाइनली ये देखिए मेरा प्याज हो चुका है अच्छे से फ्राई। थोड़ी सी मतलब ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, वैसे तो भिंडी का भुजिया बनाने के बाद भी प्याज डालती हूँ, लेकिन आज मैंने पहले डाल दिया। फाइनली मेरा प्याज हो चुका अच्छे से फ्राई। उसके बाद मैं भिंडी डाल दी और उसको थोड़ी देर फ्राई होने दूँगी। उसके बाद मैं नमक डालूँगी, क्योंकि अगर अभी मैं नमक डाल दी तो वो चिपचिपे टाइप से हो जाएंगे, तो इसलिए मैं थोड़ी देर फ्राई होने देती हूँ। उसके बाद मैं इसमें नमक हल्दी ऐड करूँगी। फिर मैं इसको छोड़ दी थी और इधर आ गई थी, इसको क्या कहते हैं, हस्बैंड लाए थे सोरखी। तो मैं इसको उबाल, सोरखी किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसको आप लोग क्या कहते हैं, ये पानी के नीचे रहता है मतलब नदी में होती है, और इसको मैं तब तक मैं उबालने के लिए रख दूँगी। इधर मैं तब तक पहले नमक हल्दी इसमें डाल देती हूँ, फिर उसके बाद चला करके लो फ्लेम पर रख दूँगी, तो तब तक ये अच्छे से पक जाएंगे। फाइनली मैं इसको अच्छे से फ्राई कर ली। फ्राई करने के बाद थोड़ी देर इसको मैं अच्छे से थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूँगी, ताकि वो मतलब कम लो फ्लेम पे। और इधर हमने पानी डाल दिया था, अच्छे से इसको वॉश कर लिया था। इसमें थोड़ी सी नमक डाल देती हूँ, ताकि ये होगा कि ये अच्छे से पक जाए। तो मैंने टीका जो लगाया था बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो मैं उसी को साफ कर रही थी। पहले हमने साफ़ कर लिया। और इधर मेरा भिंडी का भुजिया और उधर कुकर में मैं सोरखी चढ़ाई हुई थी, तो मैं दोनों को अच्छे से पहले ये सब कर लूँगी, फिर उसके बाद उसको मैं रेडी कर दूँगी बाबू को, क्योंकि उसको स्कूल भी जाना है, लेट हो रहा होगा। तो फाइनली ये मेरा भिंडी का भुजिया हो चुका है रेडी। इसमें थोड़ी सी आप मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हो, मैगी मसाला नहीं है तो कोई भी चटपटा सा मसाला, जैसे गरम मसाला, वो गरम मसाला अलग होता है, जो खड़ा मसाला आता है ये अलग होता है, तो ये डाल सकते हैं थोड़ी सी। तो मैं ये डाल रही हूँ, उसको मैं थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी, उसके बाद गैस को मैं बंद कर दूँगी। फाइनली मेरा भिंडी का भुजिया हो चुका है रेडी, उधर सोरखी चढ़ा हुआ है, उसमें जब सीटी आएगा 2-3 सीटी लगा के मैं बंद कर दूँगी। फाइनली मेरा भुजिया हो चुका है रेडी। और इधर तब मैं आ गई थी रूम में, रूम में आने के बाद फिर मैं इसको कर रही थी रेडी। स्नान वगैरह खुद करके आ चुकी थी, बाबू सो रहे थे तो उसको बार बार परेशान करती, मैं इसको बोल रही थी बैठो इधर इधर घूमो, तो घूमने रही थी तो आगे ही घूम के बैठेंगी, तो इसको परेशान कर रही थी उठाने के चक्कर में। तो मैं इसको पहना रही थी कपड़ा, कपड़ा पहनाने के बाद फिर इसको मैं बाल वगैरह अच्छे से बांध दूँगी, और बांधने के बाद फिर मैं इसको खिला दूँगी। तो ये देखिए हम फाइनली बाल वगैरह अच्छे से खोल देंगे। खोलने के बाद इसको मैं भिंडी का भुजिया, और इसके लिए मैंने थोड़ी सी रोटी, एक रोटी मैंने पहले बना दी, फिर उसके बाद मैं आ गई थी इसको रेडी करने, क्योंकि इसको लेट हो रहा था। मैं हम लोग के लिए, अपने लोग के लिए मतलब मैं बाद में बना लूँगी रोटी, पहले इसको मैं रेडी करके स्कूल छोड़ना है। तो ये देखिए फाइनली इसको मैंने अच्छे से बाल वगैरह खोल दिया, एक साइड मैंने कर दिया था चोटी, अब मैं दूसरी साइड कर रही हूँ। ये मतलब बाल मतलब एक चोटी बांधना नहीं चाहती, दो चोटी बांधो तो इसको मतलब बाल आगे आ जाते, तो बोलती रहती मम्मी मेरी कितनी बड़ी बाल हो गई, बहुत खुश होती दो चोटी पे, इसको अच्छा लगता दो चोटी, तो मैं इसलिए इसको दो चोटी करूँगी। दो चोटी करने के बाद फिर मैं इसको छोड़ दूँगी, या फिर मैं इसको खाना वगैरह, इसको नाश्ता वगैरह करा दूँगी और इसके लंच ब्रेक में दे दूँगी। तो आई होप मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटे को दबाना मत भूलिएगा। तो ये देखिए बाय बाय गाइज, मेरे वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।